इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में आपको ये बताया गया है कि जब कोई मान लो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो डायपोल मोमेंट कैपिटल एम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एटम मैग्नेट की तरह क्यों नहीं एक्ट करता, इसको स्टडी किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये बताती है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जब रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के आसपास, तो उसकी रोटेशन दो टाइप की है। पहली टाइप की रोटेशन क्या है? ऑर्बिटल। और दूसरी स्पिन। ऑर्बिटल, स्पिन, दो टाइप की रोटेशन होती है, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है कि अगर वो यहां से ऑर्बिटल क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो स्पिन मूवमेंट उसकी एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर हो गया यहां तक? अब इलेक्ट्रॉन का घूमना कैपिटल एम जनरेट करता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अगर ऑर्बिटल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में घूमना कैपिटल एम नीचे जनरेट करता है, तो उसका स्पिन मूवमेंट कैपिटल एम ऊपर जनरेट करेगा। ये दो डायग्राम अलग बना रखे हैं, लेकिन ये अलग नहीं है, ये एक्चुअल में एक ही डायग्राम को अलग अलग बना रखा है, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। जो ये शो है कि एक में ऑर्बिटल मूवमेंट है और एक में स्पिन मूवमेंट है, लेकिन डायग्राम एक ही है, बना दो रखे हैं। तो ऑर्बिटल मूवमेंट ने अगर कैपिटल एम नीचे जनरेट किया तो स्पिन मूवमेंट ने कैपिटल एम ऊपर जनरेट कर दिया, और नेट डायपोल मूवमेंट एम में से एम गया कैंसल, क्या हुआ? जीरो। फेरो पैरा में जीरो नहीं होता, ऑर्बिटल और स्पिन मूवमेंट अलग अलग स्पेस पे होती होंगी, तो एम वन एम टू जनरेट होता है, तो इसलिए नेट डायपोल मूवमेंट इनका जीरो नहीं होता, फेरो और पैरो का नहीं होता। डायमैग्नेटिक में बिल्कुल बराबर बराबर एम होता है, इसलिए उनका डायपोल मोमेंट नेट क्या जाता है? जीरो। इसलिए दे डोंट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। क्या ये रीजन समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कि डाया का एटम मैग्नेट क्यों नहीं है और फेरो और पैरा का मैग्नेट क्यों है? पहला पॉइंट सबको क्लियर। दूसरा, इसके अंदर सपोज करो कि अगर मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि इन्हें फिर जो मैग्नेटिक मटीरियल है उनकी कैटेगरी में क्यों डाला? अगर ये इनका एटम मैग्नेट है ही नहीं तो फिर इनको क्यों डाल रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में? इसलिए क्योंकि जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो इन एटम को, ये मैग्नेट बन जाते हैं। जब आप नहीं रखते तो नहीं बनते, लेकिन जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, जो कि आम मटीरियल नहीं कर पाता, इसलिए ये एक मैग्नेटिक मटीरियल की कैटेगरी में आता है। तो क्या होता है इसमें? मान लो सेम डायग्राम है, इस बार आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई कर दिया इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा था एटम में, इलेक्ट्रॉन की दो मोशन थी, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये भी सबको पता है। तो हुआ क्या इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स बी क्यू बी साइन 90, याद है मैग्नेटिक फोर्स एफ। तो अगर इस ऑर्बिटल मोशन में ये फ्लेमिंग का रूल लगा के कैलकुलेट की गई है, हमने नहीं करना, बस बता रहा हूं मैं कि अगर ऑर्बिटल मोशन में ये फोर्स इस तरफ आएगी आउटवर्ड, तो स्पिन वाले मोशन में ये कहां आएगी? इनवर्ड। एक में आउटवर्ड एक में इनवर्ड, जो मर्जी ले लो, आउटवर्ड एंड इनवर्ड ऑपोजिट हो जाएगी। अब यहां पर देखो, अगर ये फोर्स टुवर्ड सेंटर हो गई तो ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगी। एक तो वैसे ही घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, प्लस मैग्नेटिक फोर्स भी उसको मिल गई टुवर्ड सेंटर, तो सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ गई। सेंट्रिपिटल फोर्स बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ गई, क्योंकि फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। तो वेलोसिटी बढ़ गई, अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बढ़ गया। उल्टा काम यहां हो गया, क्योंकि इसकी फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर है तो इसकी सेंट्रिपिटल कम हो गई, सेंट्रिपिटल कम हो गई वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई कैपिटल एम कम हो गया। तो यहां पर और यहां पर अब जब नेट अफेक्ट आएगा कैपिटल एम का, वो जीरो नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? वो जीरो नहीं होगा, इसलिए जब तक मैग्नेटिक फील्ड बी प्रेजेंट है तब तक कैपिटल एम कैपिटल एम आपस में कैंसिल नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कैंसिल क्यों नहीं होगा? क्लियर है यहां तक? ठीक, तो कितना आएगा? टू टाइम डेल्टा एम। तो अगर मैंने बी को जीरो कर दिया तो फोर्स भी जीरो हो गई, फोर्स जीरो हो गई, वेलोसिटी वी वी हो गई, कोई चेंज इन वेलोसिटी, कैपिटल एम हो गया, नेट इफेक्ट जीरो। तो ये काम तब तक चलेगा जब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। तो ये एक्सप्लेनेशन दी गई थी कि ये मैग्नेट की तरह क्यों नहीं एक्ट करते, हालांकि इसके ऊपर लिखने को आता नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, पर एनसीईआरटी में है ये एक्सप्लेन किया हुआ है, पर आता नहीं है वो बात अलग है, लेकिन आपको पता होना चाहिए।
तो इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल का क्या प्रॉब्लम है? पैरामैग्नेटिक का जो एटम है ना, ये एटम है, इसका डायपोल मोमेंट है कैपिटल एम, हर का है, लेकिन ये इस तरीके से पड़े होते हैं कि एक का कैपिटल एम दूसरे के कैपिटल एम को क्या कर जाता है, कैंसल, और नेट अफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो सारे इनके जो ओरिएंटेशन है एक तरफ हो जाते हैं, सारे जो एटम है उनका डायपोल मोमेंट एक तरफ हो जाता है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एड हो जाता है, तो दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो डाया का एग्जाम्पल क्या था, कॉपर, जो डाया था उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ था ऊपर मैंने, फेरो का क्या है, आयरन और निकल, और ऐसे ही पैरा का क्या है, एल्यूमिनियम और प्लेटिनम, डाया का कॉपर और गोल्ड, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि नेट अफेक्ट कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट है फेरो, फेरो की भी सेम प्रॉब्लम है और थोड़े बड़े अफेक्ट में है। कैसे? जो फेरो है ना, जैसे जो पैरा है, पैरा में तो एक डायपोल मोमेंट दूसरे डायपोल मोमेंट को वन बाय वन कैंसिल कर रहा है, एक की लड़ाई एक के साथ है। फेरो में ऐसा नहीं है, फेरो में वॉल्यूम्स हैं, पूरा वॉल्यूम है ये, इसके अंदर ग्रुप है एक जैसा, सारे एक जैसे एटम इकट्ठे हैं, सबका डायपोल मोमेंट इसी तरफ है। तो मान लो इसमें 50,000 एटम है तो इसका 50,000 एम है, इस पूरे वॉल्यूम का इकट्ठा एम है, इसको डोमेन बोलते हैं, वॉल्यूम को डोमेन बोलते हैं यहां पर। ऐसे ही यहां पर जो एटम्स हैं उनका इकट्ठा एम है, इसका इकट्ठा एम मतलब एक तरफ एम है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां ग्रुप ग्रुप को कैंसिल करता है, 50,000 एम और 50,000 एम एक दूसरे को कैंसिल कर जाता है, नेट इफेक्ट इसका भी क्या जाता है, जीरो। पैरा में इफेक्ट छोटा, लड़ाई छोटी है, एक एटम के एक एटम के साथ है, यहां कई हजार एटम की कई हजार एटम के साथ इकट्ठी लड़ाई है, तो आपस में इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो इसलिए आयरन आयरन है, आयरन मैग्नेट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये सारे इस तरफ ओरिएंट होकर क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। जब ये आप इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो पहले ये क्या करता है, इस डोमेन को अपने अंदर मिला लेता है, फिर ये डोमेन इसको मिला लेता है, फिर तीन मिलकर चौथे को मिला लेते हैं, चौथा पांचवें को, अल्टीमेटली सारे एक तरफ हो जाते हैं। तो एक ग्रुप दूसरे को मिलाता है, दो ग्रुप तीसरे को मिला लेते हैं, तीसरा चौथे को, और सारे एक तरफ। इस प्रोसेस को, जब एक डोमेन दूसरे को मिलाता है, दूसरा तीसरे को अपने अंदर मिलाता है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज कपलिंग, एक्सचेंज कपलिंग। बस इतना ही है, अल्टीमेटली सब्सटेंस मैग्नेटाइज तो हो ही जाता है। क्लियर हो गया यहां तक? क्यूरीज लॉ इन मैग्नेटिज्म।